नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल ओडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। आज मैनपुरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की जनसभा में जमकर उमड़ी भीड़। योगी ने मंच से सपा पर और सैफई परिवार कर अपने तीखे शब्दों से जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार के बाहर किसी का विकास नहीं किया, किसी अन्य गरीब का जिसने भी उभरने का प्रयास किया उसके साथ क्या हश्र हुआ ये हर व्यक्ति जानता है। एक नया रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये जेपी का समाजवाद नहीं है, ये डॉक्टर लोहिया का भी समाजवाद नहीं है। चाचा शिवपाल को स्वयं डॉक्टर लोहिया के बारे में लिखते देखा है, उनको खुद नहीं मालूम होता है कि वह क्या लिख रहे हैं। ये समाजवाद के जो अलग अलग ब्रांड हैं वह एक ही खानदान में देखे जा सकते हैं। शिवपाल यादव का जो समाजवाद है वह जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा समाजवाद है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है। बता दें कि नोएडा से लेकर के फिरोजाबाद तक जो भी धरती दिखाई देती है समाजवादी पार्टी की सरकार में, उस जमीन को उन्होंने या उनके शागिर्दों ने हथियाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अखिलेश जी का समाजवाद अवसरवादी समाजवाद है। आप सब जानते हैं कि शिवपाल सिंह यादव के साथ क्या हुआ। पिछली बार तो जसवंत नगर नेताजी के कारण मिल गई, लेकिन इस बार वो भी नहीं मिल पाएगी। वहीं योगी ने जनता से भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में वोट करने की अपील की। हुआ था हर व्यक्ति समझता है, पिछली बार तो कम से कम जसवंत नगर नेताजी के नाते मिल गई, अगली बार जसवंत नगर भी नहीं मिलने वाली है उनको, ये हर व्यक्ति जानता है। और जब भी समाजवादी पार्टी को चुनाव हारने होते दो काम जरूर कर लेते हैं, एक तो बहाना कर लेते हैं, पहले से ही पृष्ठभूमि बांध लेते हैं कि साहब ईपीएम में गड़बड़ी है। अरे उसी ईपीएम में तो 2012 में आपकी सरकार बनी थी, उसी ईपीएम में इस प्रदेश में कई सांसद आपके जीते थे, कैसे आप आरोप लगाते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराने लगते हैं और कभी उसकी पृष्ठभूमि बांध करके अपने कारनामों को नहीं देखेंगे, कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के इस बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। इनके पास जब भी चुनाव हारना होता दो काम करेंगे, एक आरोप प्रत्यारोप और दूसरा बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी इन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, एक अवसर है आप सबके सामने, आप सब मैनपुरी लोकसभा सीट से जुड़े हुए, पांचों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे वो मैनपुरी हो, भोगांव हो, करहल हो, किसनी हो या जसवंत नगर के सभी मतदाता भाइयों बहनों के सामने, और वह है कि सिफाई खानदान से मुक्त हो, यहाँ के नौजवानों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, बहन बेटियों के लिए सुखद और सुरक्षित माहौल आगे बने, विकास की एक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, इस देश से भारतीय जनता पार्टी में हमारे कार्यकर्ता गए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, कभी भी समाजवादी पार्टी के लोग एक बार करते हैं, और इसलिए अब इसका नाम तो समाजवादी रखना भी मुझे लगता है यह अपने आप में जनता को भ्रम में डालने जैसा है। इन्होंने विकास कराया होगा, अपना किया है, अपने परिवार का किया है, अपने परिवार के बाहर किसी का नहीं किया है, किसी अन्य गरीब का जिसने भी उभरने का प्रयास किया उसके साथ क्या कुछ हुआ ये हर व्यक्ति जानता है। और भाइयों बहनों, आज तो मुझे आप सबको बताते हुए एक नया रहस्य मैं आपको बता रहा हूं, ये समाजवाद ये जेपी का समाजवाद नहीं है, डॉक्टर लोहिया का समाजवाद भी नहीं है, चचा शिवपाल तो डॉक्टर लोहिया के बारे में लिखते हैं लेकिन उनको स्वयं नहीं मालूम होता है कि वे क्या लिख रहे हैं, उनको स्वयं नहीं मालूम है।
ये समाजवाद के जो अलग अलग ब्रांड हैं वो एक खानदान में भी देखे जा सकते हैं। भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है, सब धरती गोपाल की, नोएडा से लेकर के फिरोजाबाद तक जो भी धरती दिखाई देती है समाजवादी पार्टी की सरकार में उस जमीन को उन्होंने या उनके सागिर्दों ने हथियाने में कोई गुरेज नहीं की। और अखिलेश जी का समाजवाद अवसरवादी समाजवाद है।